आज हम ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट्स रहते हैं, जो करीबन 5 और 8 के बीच में रहते हैं, हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होता है? 1। हाँ, हिडन एडजस्टमेंट रहा तो 2 रहेगा, लेकिन बाकी ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट कितना रहेगा? 1। एडजस्टमेंट का 2। हर एक एडजस्टमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ट्रेडिंग पी एल और बैलेंस शीट बनाया हुआ है मैंने, सो एक एक करके मैं रीड करूंगा। और ये जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कितने दिए हुए हैं? 20, 21, 22, 22 के अलावा एचएससी में इसके बाहर नहीं पूछेंगे। आया समझ में? या 11th का भी फाइनल अकाउंट्स का लिस्ट दिया, इसके बाहर तो पूछ ही नहीं सकते। और भी कुछ एक्स्ट्रा है? गुड सोल्ड और सेल और रिटर्न बेसिस, वो सब नहीं है। लॉजिक समझ में आया? सो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक। धंधा है तो क्लोजिंग स्टॉक तो रहेगा ही ना, कॉमन सेंस है। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा संपत्ति। और दूसरा इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट चार्ट। अब इसको कैसे बताना है मैं आपको बताता हूँ। नाउ डू यू एग्री कि आपका, ठीक है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो आप इधर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, डू यू एग्री? और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग। नाउ इधर बाय, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। नाउ एक और तरीका है, यहाँ पे परचेजेस जो है तुम उससे भी मान कर सकते हो। सी लॉजिक क्या है? तुमने 10,000 का खरीदा और लेस क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा 2,000 है, तो तुमने पूरे साल भर कितना इस्तेमाल किया फैक्ट्री में? 8,000। तो इधर 2,000 नहीं लिख के इधर 2,000 लिखा तो भी चलेगा, इधर 2,000 आ जाएगा और इधर परचेजेस 10,000 आएगा। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक दो प्रकार से प्रेजेंट हो सकता है। पहला, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखो 2,000, वो नहीं लिखना है तो परचेजेस से माइनस कर दो। तो सही तरीका कौन सा है? जो बाल भारती में दिया हुआ है, ये जो नॉर्मली फॉलो करते हैं। आप क्रेडिट साइड में लिखो, क्योंकि जब भी गुड्स फैक्ट्री के बाहर जाता है, गुड्स लॉस बाय फायर, ड्रॉइंग्स, विड्रॉन बाय पार्टनर, लॉस बाय थेफ्ट, जो भी है, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। इसलिए आप परचेजेस 10,000 लिखो। हाँ, कुछ रिटर्न आउटवर्ड रहेगा तो वो उसमें से माइनस होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या सब लोग क्लियर है इतना? यस और नो? ओके, सो अभी हम नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है? दूसरे एडजस्टमेंट में मैं अभी आऊंगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 में आते हैं। क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी। आउटस्टैंडिंग मतलब बिल आया है बट आपने पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग इनकम बोला है कि एक्सपेंसेस बोला है? अब डू यू एग्री, खर्चा ट्रेडिंग डेबिट भी हो सकता है, पीएनएल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सैलरी है, आपने पूरे साल में सैलरी पे किया 11,000 और अभी 1,000 पे करना बाकी है, तो आप क्या करोगे? एड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग 1,000, आउटर कॉलम में कितना आएगा? 12,000। अभी आपका लायबिलिटी कितना है? कितना देना बाकी है बताओ? सैलरी कितना देना बाकी है? 1,000। 11,000 तो आपने दे दिया, वो आपका एक्सपेंसेस हुआ, बट देना कितना बाकी है? 1,000। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? 1,000। सो ये जो 1,000 है वो इधर आएगा। क्या सबको समझा? सो खर्चा आउटस्टैंडिंग रहा तो कहाँ पे आएगा? पहला इफेक्ट ट्रेडिंग में भी हो सकता है, वेजेस में ऐड करोगे। सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में लिखोगे या लायबिलिटी साइड में, एसेट साइड में तो प्रीपेड आता है। ओके, अभी हम जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट में। कहीं पे भी डाउट है तो हाथ ऊपर कर देना। प्रीपेड, अब सिंपल सी बात है, यही एक्सपेंसेस लेते हैं, यही कर लेते हैं हम लोग और समझते हैं। नाउ सपोजिटली आपने सैलरी पे किया, ठीक है, 11,000, लेकिन ये इस साल का 10,000 था। आपने वर्कर को एक्स्ट्रा दिया, कितना दिया? 11,000। 10,000 सैलरी था बट आपने 11,000 दिया। 1,000 अप्रैल को बिलोंग करता है, मार्च को बिलोंग नहीं करता। सो वो क्या हो गया? अगले साल का हो गया। सो आप लेस प्रीपेड करोगे। क्या करोगे? लेस प्रीपेड, कोई भी खर्चा। अच्छा, लॉजिक क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में इसी साल का खर्चा आ सकता है,
अगले या पिछले साल का नहीं आ सकता। प्रीपेड मतलब वो खर्चा अगले साल को बिलोंग करता है। 10,000 इस साल का सैलरी हुआ, 1,000 अगले साल का हुआ, प्रीपेड खर्चा है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। आप बोलोगे प्रीपेड सैलरी ना, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इंश्योरेंस आता है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट आ सकता है, वो हिडन एडजस्टमेंट में भी हो सकता है। सो क्या ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड। सपोजिटली आपका आपको रेंट मिला, 12 महीने का रेंट होता है, तो आपने इन क्रेडिट साइड आएगा ना, इनकम है तो 1,000 रुपया भाड़ा है, सामने वाले ने आपको दे दिया 13,000 कि चलो मार्च में उसने बोला अप्रैल का भी 1,000 एक्स्ट्रा ले लो, बट आपका इस साल का कमाई कितना हुआ? 12,000 हुआ, 1,000 अगले महीने के लिए एडवांस में कमाई हुआ, तो आप बोलोगे लेस प्रीपेड। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है पिछले प्री रिसीव्ड आएगा, क्या आएगा? प्री रिसीव्ड, यहाँ पे मैंने 1,000 माइनस किया, आउटर कॉलम में कितना आएगा? 12,000। अब सवाल ये है, ये 1,000 रुपया कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में क्या एसेट में कहाँ पे आएगा? क्या लगता है आप लोग को? देखा कैसे फंसे, एसेट बोला लेकिन मार्च में उसने छोड़ दिया, तो मुझे अप्रैल का जो एडवांस उसने रेंट दिया लौटाना पड़ेगा। हाँ, जब अप्रैल आ जाएगा तो ये जो 1,000 है मैं इनकम में दिखाऊंगा, लेकिन तब तक मैं इनकम नहीं दिखा सकता क्योंकि अगले फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे आएगा रेंट लाइबिलिटी साइड आएगा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपये आएगा। सो जब आपको एडवांस इनकम मिलता है तो वो कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आपने कमाया नहीं है बट आपको दिया गया है अगले फाइनेंशियल ईयर का कुछ महीने का, और आपने काम नहीं किया तो आपको लौटाना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी में आएगा। यही रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अगले फाइनेंशियल ईयर में इनकम साइड आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं रहेगा, वो इनकम बन जाएगा। आया समझ में सबको ये सर? नो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इनकम रिसीवेबल, सिंपल सा लॉजिक है। चलो मैं और आगे बढ़ता हूँ, अलग सा बना लेता हूँ तो इजी पड़ेगा। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये आपका बैलेंस शीट हुआ। नाउ आपको रेंट रेंट मिला 11,000, आपको 1,000 मिलना बाकी है, तो आप क्या करोगे? रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, तो आप एड दिखाओगे क्योंकि इसी साल का मिलना बाकी है, एड आउटस्टैंडिंग करोगे 1,000, तो आपका कितना हुआ बताओ? 12,000। अब जो 1,000 मिलना बाकी है उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? हाँ सोचो, मिलना बाकी है मतलब आपका डेटर हुआ, संपत्ति हुआ, सो आप बोलोगे आउटस्टैंडिंग रेंट एसेट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि आपको मिलना बाकी है। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? दो होते हैं, तो हमने दो इफेक्ट दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बैड डेट्स, एडिशनल और न्यू बैड डेट्स। बैड डेट्स का लेक्चर ही पूरा आधा से 1 घंटा खाता है, बट आई विल कीप इट स्मॉल, ठीक है, आई विल कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ज़्यादा इसमें डिटेल्स एकदम चले गए तो आधा 1 घंटा लग जाएगा। नाउ देखो, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं, इधर मैं लिखता हूँ बैड डेट्स, ये 1,000 हुआ, ठीक है, आपका सन्ड्री डेटर्स हुआ 10,000, आपका एडजस्टमेंट बोलता है नंबर 1 एडिशनल बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स 500, ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट आया। पहली बात, ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को क्या बोलेंगे? ओल्ड बैड डेट्स। एडजस्टमेंट के बैड डेट्स को क्या बोलेंगे? न्यू, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हुआ है, लेटेस्ट है, रिसेंट है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, नाउ ये आपका बैलेंस शीट, कॉमन सेंस की बात है। अरे सन्ड्री डेटर्स इधर आएगा भाई, क्रेडिट साइड कैसे आएगा? डेबिट साइड आएगा क्योंकि एसेट है, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी आता है, ठीक है, वो मेरे को अलग बताना था, इसलिए सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड है। सो सन्ड्री डेटर्स पहले तो मैं इधर लिखूंगा 10,000, ठीक है। नाउ ट्रायल बैलेंस का बैड डेट कौन सा है? ओल्ड है कि न्यू है? ओल्ड है, उसके कितने इफेक्ट रहेंगे? एक या दो? एक, ट्रायल बैलेंस का। सो मैं इधर लिखा टू ओल्ड बैड डेट्स कितना? 1,000 रुपया। एडजस्टमेंट का बैड डेट्स क्या है? न्यू बैड डेट्स,
उसके इफेक्ट कितने होंगे? दो। डू यू एग्री? 1000 आपका डूब चुका है, 500 और डूबा है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो एड आप न्यू बैड डेट्स बोलेंगे, न्यू बैड डेट्स 500, आपके आउटर कॉलम में कितना आया? 1500। अच्छा, अभी कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स इधर माइनस करते हैं, लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस का जो डेटर्स था वो 11000 था, वो 1000 माइनस करके 10000 हुआ है। सो ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट जब आपने बैड डेट्स का ऑलरेडी दे दिया, उसका सेकेंड इफेक्ट मत देना। तो एडिशनल बैड डेट्स 500 है, लेस जो आपका संडे डेटर्स है, लेस न्यू बैड डेट्स, आप 500 माइनस करो, इधर 9500 आएगा, ये 500 का सेकेंड इफेक्ट इधर आ गया। लॉजिक समझा? अभी एक और मैं बताता हूं, सपोजिटली आरडीडी, याद रखो आरडीडी ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट साइड आएगा। कितना दिया आरडीडी? 400। तो अभी क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का कितना इफेक्ट होगा? एक इफेक्ट होगा। आपने स्टार्टिंग में ही अंदाजा लगा लिया था कि आपको लॉस होगा, तो आपने एक रिजर्व क्रिएट किया था, प्रोविजन क्रिएट किया था 400 रुपए का कि डूबेगा। तो अभी आप क्या करोगे, आपका 1000 प्लस 500 1500 हुआ है, लेकिन आपने पहले से बाजू में करके रखा है, तो ट्रायल बैलेंस का आरडीडी को ओल्ड बोलते हैं, 400, तो आउटर कॉलम में आएगा 1100। आपको और कुछ नहीं करना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आपने 400 को ऑलरेडी बाजू में करके रखा था। आपका ओरिजिनल घाटा कितना हुआ है? 1000 रुपया, ठीक है। आपका नया घाटा कितना हुआ है? 500। आपका कुल घाटा कितना हुआ? 1500, लेकिन आपने सेफ्टी के लिए पहले से बाजू में कितने करके रखा हुआ था? 400। तो अभी आपको कितना लॉस होगा? 1100, क्योंकि 400 ऑलरेडी बाजू में करके रखा हुआ है। बैलेंस शीट में आएगा नहीं, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट। अच्छा, एडजस्टमेंट में 2 दिया है, आरडीडी फर्दर 300 रुपया। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो अभी आप क्या करोगे, लेट अस स्टार्ट। ये बैलेंस शीट ओरिजिनल कितना है बताओ? 10000। डेटर्स कितना है? थोड़ा हैंडराइटिंग अजीब आ रहा है, 10000। लेस, कभी भी सीक्वेंस में आप क्या माइनस करोगे पहले? न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स कितना है एडजस्टमेंट में? 500। ये कितना हुआ? 9500। उसके बाद आएगा न्यू आरडीडी जो एडजस्टमेंट का है, कितना? 300। आउटर कॉलम में जाएगा 9000, इधर लिख देता हूँ 9200। आया समझ में सबको? और रिजर्व अभी भी आपका बैड डेट्स हुआ, आपका डाउटफुल डेट्स है, और आपको लगता है डेटर्स डिस्काउंट भी मांग सकते हैं, तो इधर उसके बाद न्यू आरडीडी के बाद जो रकम बचा है 9200, उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आएगा। नाउ अभी पीएनएल में कैसे, वापस से एक बार देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नाउ सबसे पहले शुरू किससे करोगे, आपका ओल्ड बैड डेट्स कितना है बताओ? आपका ओल्ड बैड डेट्स कितना है? तो इधर आप लिखोगे टू ओल्ड बैड डेट्स 1000 रुपया, करेक्ट। अभी न्यू बैड डेट्स कितना है आपका? 500। एड न्यू बैड डेट्स 500, कितना हुआ? 1500। लेकिन अभी और आपको एक्स्ट्रा 300 रुपये भी लॉस होने का चांसेस है, सो प्लस न्यू आरडीडी 300, कितना हुआ? 1800। और ट्रायल बैलेंस का आरडीडी सिर्फ एक ही चीज़ माइनस होगा फॉर्मूले में, वो ओल्ड, ये 1400 आउटर कॉलम में आएगा। सो ओल्ड बैड डेट्स एड न्यू बैड डेट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अच्छा, बैलेंस शीट में आपके पास 4 है, ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी, लेकिन बैलेंस शीट में जो डेटर्स है उससे माइनस सिर्फ 2 चीज होगा, क्या? न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी। ओल्ड बैड डेट्स और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस का है, उसका कितना इफेक्ट रहेगा? 1। कहां पे आएगा वो? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, यस और नो? बैड डेट्स थोड़ा टाइम लेता है, इतना समझ में आ गया, और वैसे भी सब में आगे आने वाला है। अभी वंस ये आ गया रिजर्व फॉर डिस्काउंट, उसके बाद आएगा डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोजिटली आपका ये बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका। ऐसे सोचो बिल्डिंग है 1 लाख रुपए का, 1 लाख, ठीक है। नाउ टेल मी डेप्रिसिएशन कितना है? 10% में एज्यूम करता हूँ डेप्रिसिएशन 10%। तो क्या करोगे पहला इफेक्ट, डेप्रिसिएशन से वैल्यू बढ़ेगा घटेगा एसेट का? घटेगा। लेस डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10%, 10000 बराबर है, आपका बिल्डिंग का वैल्यू कितना बचेगा? 90000।
आपका डेप्रिसिएशन लॉस नहीं है, खर्चा है। खर्चा किसको बोलते हैं? जिसपे आपको सर्विस मिला है, आपने बिल्डिंग का इस्तेमाल किया है। लॉस चोरी हो गया, आपको कोई सर्विस नहीं मिला है, तो आप लॉस नहीं बोलना, आप क्या बोलोगे? खर्चा बोलोगे। नाउ टेल मी, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? खर्चा है ना डेप्रिसिएशन, तो पीनल डेबिट डाल दो टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये वाला इफेक्ट लो, कितना? 10,000 अपने खर्चे में दिखा दिया। आया समझ में? और उसके बाद का इफेक्ट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। ये देखो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं दोनों इधर बता देता हूँ। नाउ आपका सपोजिटली कैपिटल है 50,000, कैपिटल ए और बी दोनों का 50-50,000 है। आप दोनों को ब्याज दे रहे हो 10%, कितना? 5,000। आप किसको दे रहे हो? पार्टनर को दे रहे हो। तो आपके लिए क्या है? आप बैंक से लोन लेते हो, आप कर्जा देते हो, आपके लिए खर्चा रहता है क्या फायदा रहता है? खर्चा रहता है। तो पार्टनर्स ने जो 50-50,000 रुपये लगाया, आप उसका इंटरेस्ट दे रहे हो कैपिटल पे। एक प्रकार का लोन पे जब ब्याज देते तो अपन कैपिटल पे क्या दे रहे? इंटरेस्ट। तो अपने लिए क्या हुआ? खर्चा हुआ ना। तो आप पीएनएल डेबिट बोलोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए और बी। आप 10% एज्यूम करो, 5,000, 5,000 ये आपके लिए खर्चा है 10,000। सो एड, यहाँ पे एड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, इधर एड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। लॉजिक समझा आपको? क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट से आप पार्टनर को दे रहे हो, आप सैलरी दो, कमीशन दो, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी भी रूप में पार्टनर को दिया जा रहा है, तो उनका कैपिटल बढ़ता है। किस रूप में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वॉट एवर इट इज, यदि पार्टनर को दिया जा रहा है तो आपके लिए खर्चा है। आप पेनल डेबिट डालो और कैपिटल में क्या करो? ऐड। लेकिन हो सकता है पार्टनर ने ड्राइंग्स भी किया हो, ड्राइंग्स किया, लेट अस एज्यूम 10,000, यहाँ पे लेस ड्राइंग्स आप लिखोगे 10,000, और हम उनसे 1,000 रुपया ड्राइंग्स का पैसा ले रहे हैं। ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर या ओनर धंधे से खुद के लिए उठा रहा है, तो उसको क्या दे रहे हैं? उससे हम क्या वसूल रहे हैं? ब्याज वसूल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम उनको ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे ब्याज ले रहे हैं, तो हमारे लिए खर्चा है कि कमाई है? कमाई है। तो क्रेडिट साइड डालो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए और बी 1,000 और 1,000, ये 2,000 हुआ। इधर से लेस होगा, ये जो कैपिटल है नहीं का, लेस होगा 1,000 रुपया, इधर से लेस होगा 1,000 रुपया, ऐसे करते हुए जो फाइनल फिगर आएगा इधर, ठीक है, समझ में आया? सो आप क्या? अच्छा, अभी कोई स्टूडेंट ने पूछा, व्हाट अबाउट सर कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़े या करंट अकाउंट ओपन करना पड़े तो क्या करेंगे? सिंपल सा है, ये आपका ए बी ओरिजिनल जो कैपिटल रहेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 50,000। नाउ टेल मी, आप ऐड क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करोगे कि लेस करोगे? ऐड किया है ना, तो इधर जो भी ऐड होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्लस वाले चीजें जो आप कैपिटल अकाउंट में प्लस करते हो वो आप क्रेडिट में डालोगे। आपने लेस क्या किया? दो चीज किया। कौन सा दो चीज? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डू यू एग्री? तो इधर आएगा टू ड्राइंग्स डेबिट साइड, डेबिट से कैपिटल कम होता है। सो कैपिटल या करंट अकाउंट भी रहा तो भी आप क्या करोगे? जब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट का शेयर, सैलरी, कमीशन जब आप दे रहे हो तो आप क्रेडिट डालोगे, और जब कम हो रहा है ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या लॉस, तो आप क्या करोगे? डेबिट डालोगे। लेकिन आपको ये अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखाया तो भी चलता है बाल भारती के सम्स के हिसाब से, बट दोनों टेक्निक मैंने आपको बता दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन। अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये मैं क्लियर बता दूं तो आपका काम हो जाएगा। सो अभी हम आते हैं लॉस बाय फायर। अब ध्यान से सुनना, वंस आपको लॉस बाय फायर समझ में आता है, कुछ डाउट है तो हाथ ऊपर कर देना। ये देखो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। मैं आपको लॉस बाय फायर का इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड सब बता रहा हूँ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, ये आपका बैलेंस शीट हुआ। नाउ टेल मी, आपका 1,000 रुपए का गुड्स को आग लग गया, फैक्ट्री से गुड्स बढ़ा क्या घटा? कम हुआ। आपके पास दो टेक्निक है,
आप यहाँ पे या तो परचेजेस से माइनस कर दो क्योंकि आपका खरीदी से माइनस हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, फैक्ट्री से जब भी गुड्स जाता है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट दो, वही वाली बात है, इफेक्ट तो सेम आएगा। सो इधर लिखो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉजिक समझे आपको, बाय फायर 1000, आपका गुड्स का आग लग गया, आपने ट्रेडिंग क्रेडिट डाला, या तो परचेजेस से माइनस कर दिया, उससे जीपी में ग्रॉस प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्रेडिट डालो क्योंकि गुड लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्री सैंपल, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सब ट्रेडिंग क्रेडिट आता है ना। ये जो 1000 रुपये आपका फायदा है कि नुकसान है, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट, टू इफेक्ट्स। तो इसका सेकेंड इफेक्ट पी एन एल डेबिट आएगा टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000 रुपये। बट इसमें इंश्योरेंस नहीं था, कोई भी कंपनी विदाउट इंश्योरेंस के काम नहीं करती, सबका इंश्योरेंस रहता है। लॉजिक समझ में आया। सपोजिटली 1000 रुपये का गुड्स आग लग गई, उसका इंश्योरेंस था 600 रुपया, इंश्योरेंस क्लेम डाला 600, एडमिट हो गया। आग लगी तो सबसे पहले आपको FIR कराना पड़ता है, उसका कॉपी लगता है, आप इंश्योरर के पास जाओगे, तुरंत क्लेम नहीं मिलता, कुछ हफ्ते और महीने लगते हैं। मार्च महीना आ गया, एंड आ गया, अभी भी क्लेम प्रोसेस में, बट उन्होंने एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया कि आपको 600 रुपये देंगे, तो आपका घाटा कितना हुआ? पहले तो फैक्ट्री से गुड्स कितने के गए, 1000 बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000 दिया, बराबर है। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एडमिट किया, तो आपका घाटा कितना हुआ, तो टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1000 नहीं आएगा, 400। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना आना है, वो डेटर हुआ, बैलेंस शीट एसेट साइड, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वो टाइम लग जाएगा, कितना 600। और जब मिलेगा तो हम लोग कैश टू इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करके इसको टैली कर देंगे, फिर बैलेंस शीट में नहीं रहेगा। सिंपल सा है, 10000 डेटर है, 10000 दे दिया तो डेटर खत्म हो गया, है ना। अच्छा, इसी प्रकार से गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर के बजाय लॉस बाय थेफ्ट होता है, तो क्या करोगे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर के बजाय बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट करोगे, बराबर है ना। और उसका सेकेंड इफेक्ट 1000 रुपया, इंश्योरेंस रहा तो सेम इफेक्ट आएगा, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। अच्छा, आपने 1000 रुपये के गुड्स फ्री सैंपल में बांटे। अब ये फ्री सैंपल क्यों करना पड़ता है, आप जैसे आइसक्रीम चॉकलेट्स एडवर्टीजमेंट का एक रूप है, बट फैक्ट्री से गुड्स कम हुए, कितने के, 1000 रुपये के। सो यहाँ पे सी गुड्स बाहर जा रहा है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर के बजाय क्या लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1000 रुपये। अच्छा, उसका सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, पी एन एल डेबिट, तुम बोलोगे टू एडवर्टीजमेंट 1000 रुपया। अब जब आप फ्री सैंपल में बांटते हैं, उसका इंश्योरेंस कैसे हो सकता है, वो तो गुड्स, और वो आपका लॉस भी नहीं है, वो एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। जियो ने कैसे पहले 2 साल फ्री दिया था, ट्राई एंड टेस्ट, इफ यू लाइक इट तो उसको पूरा लागू कर दो, सॉरी 5G अनलिमिटेड चल रहा है, थोड़े दिनों में उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि 5G आपका 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है। सवेरे जो स्पीड रहता है 100-200 MBPS रहता है, आपका 1.5 GB का प्लान रहा, 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी अनलिमिटेड दे रहे हैं, वो अनलिमिटेड थोड़े टाइम के लिए, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ याद रखना, तो अभी 1-2 महीने के बाद इलेक्शन जाने दो, मई जून में लोग भी उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, स्पीड हो सकता है रेस्ट्रिक्ट हो जाए, या कुछ स्पीड तो नहीं कम करेंगे, नाम खराब होएगा, लेकिन आपका प्लान को एड ऑन करना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब गुड्स की बात करें तो इसमें एक और ले लेते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स ने विड्रॉ किया कितने का गुड्स, सपोजिटली 1000 रुपये का गुड्स विड्रॉ किया, किसने, पार्टनर ने, तो आप क्या करोगे, कौन बताएगा, पार्टनर ने, दोनों पार्ट दो और बी, ए और बी पार्टनर है, उन्होंने विड्रॉ किया, क्या करोगे बताओ, सोचो। हाँ, बाय ड्रॉइंग्स बोलो या बाय गुड्स विड्रॉन बाय ए बी बोलो, ए और बी 1000 1000, आउटर कॉलम में आएगा 2000, मैं पीएल में पहुंच गया हूँ भाई, ऐसे समझ लो। उसका सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, कैपिटल बढ़ता है, ए और बी ने विड्रॉ किया है तो उनके कैपिटल में इंपैक्ट आएगा, या तो कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। सो हम कैपिटल में आएंगे, कैपिटल ए लेस ड्रॉइंग्स बोलेंगे, ब्रैकेट में गुड्स बोलेंगे, 1000 माइनस होगा, सेम बी का होगा। सो टेल मी गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर के दो इफेक्ट्स क्या होंगे, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट कैपिटल से माइनस हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम, और इफेक्ट देते हैं इनके, क्या है, इंश्योर गुड्स, अनइंश्योर गुड्स, गुड स्टोलन, गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल्स, गुड विदड्रॉन बाय। नाउ वंस ये दो एडजस्टमेंट आपको आ गए तो आप एडवांस हम भी कर सकते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स। इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी भी करते हैं, अभी हम समझते हैं अनरिकॉर्डेड परचेज और अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या होता है। मैं तुम लोगों से पूछूंगा, बताओगे। ये है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है बैलेंस शीट। मेरे सवाल का जवाब देना, सपोजिडली मैं एज्यूम करता हूँ परचेजेज है, पहले तो ओपनिंग स्टॉक आएगा, लिख दिया लेट अस एज्यूम परचेजेज है 10,000 का। अभी आपके पास 1,000 रुपये का रॉ मटेरियल आया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है, तो इसके दो इफेक्ट क्या करेंगे, कौन बताएगा? वो प्लस होगा क्या माइनस होगा? अच्छा, मैं 10,000 से माइनस करूंगा तो मेरा 9,000 दिखेगा परचेस, मेरा 9,000 का है, मेरा 11,000 का है, तो मैं इधर लिखूंगा एड अनरिकॉर्डेड, ठीक है, अनरिकॉर्डेड 1,000, आउटर कॉलम में कितना आएगा 11,000। अब रिकॉर्ड नहीं किया तो डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री नहीं किया होगा मैंने, सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, कौन दिमाग लगाएगा? सोचो 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 सोचो, कहां पे आएगा, कहां पे आएगा सेकंड इफेक्ट, कौन दिमाग लगाएगा? गुड्स खरीदा, रिकॉर्ड नहीं किया, एड मैंने कर दिया, सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा पीएनएल में, कैसे? बैलेंस शीट में, कहां पे? लायबिलिटी साइड के एसेट साइड, कैसे एसेट भाई, मुझे पैसा देना बाकी है, लायबिलिटी एसेट साइड मिलना बाकी होता तो पहला इफेक्ट खरीदा 11,000 का। सी अकाउंटिंग शुड शो ट्रू एंड करेक्ट व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। 1,000 रुपया मैंने ऐड किया, मेरा खरीदी 10 + 1 = 11,000 बराबर है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया तो सामने वाले को भी देना बाकी होगा। सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अनरिकॉर्डेड परचेजेस, रिकॉर्डेड परचेजेस के तौर पर 1,000 रुपया आएगा। आया समझ में? इसका रिवर्स इफेक्ट डालते हैं। तुमने सेल्स किया 50,000 का, 5,000 का गुड्स बेचा बट रिकॉर्ड करना भूल गए, क्या करोगे? सेल्स में पहले ऐड करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड करना भूल गया, बट इसी साल का है तो रिकॉर्ड तो होगा। 5,000 ऐड करो, कितना हुआ? 55,000। 5,000 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? क्योंकि हमने बेचा है, रिकॉर्ड नहीं किया, बराबर बोला आना बाकी है, आए नहीं, आया होता तो रिकॉर्ड कर लिया होता, ठीक है। सो इधर आएगा, लेकिन एक प्रिकॉशन लेना है, बताता हूँ क्या। आपका डेटर्स दिखा रहा है 40,000, ठीक है, 45 कर देता हूँ, आपका डेटर्स दिखा रहा है 45,000, तो इधर क्या करेंगे, एड अनरिकॉर्डेड सेल्स बताएंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड सेल्स 5,000 लिखोगे, कितना हुआ 50,000। अब इसके बाद बैड डेट्स, इसके बाद आरडीडी, सपोजिटली बैड डेट्स है 2,000, बचा 48,000 और आरडीडी 5% है, तो ये 5% 48 पे होगा। अक्सर गलती से लोग 50 पे लेते हैं, कुछ लोग 45 पे लेते हैं, नो, डेटर्स में एड अनरिकॉर्डेड सेल्स करो, 45 + 5 कितना हुआ 50, उसके बाद बैड डेट्स माइनस करो, फिर आरडीडी, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऐसा हो जाएगा। इतना बड़ा भी नहीं आता, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट क्या है, पहला सेल्स में ऐड, दूसरा डेटर्स में ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेजेस कहां दो ऐड, परचेजेस में ऐड, दूसरा लायबिलिटी साइड। एक्चुअली अनरिकॉर्डेड परचेजेस बेटर है कि आप सन्डी क्रेडिटर्स के इधर बताओ, सन्डी क्रेडिटर्स 19,000 है, उसमें आप 1,000 रुपये ऐड करके ये कर दो 20,000, वो ज्यादा अच्छा है अलग से दिखाने के बजाय, ये करेक्ट तरीका है। रिकॉर्ड टैली तो हो जाएगा, लेकिन सन्डी क्रेडिटर्स में ऐड करो अनरिकॉर्डेड परचेजेस, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अच्छा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल पेएबल डिसऑनर्ड, सिंपल सा है, मैं अगेन आपको बता देता हूँ क्या करना है। बिल यहाँ पे बिल रिसीवेबल आएगा, मुझे वापस से नया बनाना पड़ेगा, ये आपका बैलेंस शीट हुआ। इसकी एक खासियत है बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड का, आपका ये डेटर्स है 50,000, बिल रिसीवेबल है 10,000, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है 1,000 रुपया। अब बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ तो इधर माइनस होगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, एड बी आर डिसऑनर्ड बोलोगे 1,000,
इधर आएगा 9,000 और इधर ऐड होगा बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड 1,000। अभी अगेन इसके अकाउंटिंग एंट्रीज बिल ऑफ एक्सचेंज में हम डिटेल में बताएंगे। जब भी बिल डिसऑनर होता है आप डेबिट ड्रॉई को करते हो और क्रेडिट द पार्टी हु हैज द बिल बिल रिसीवेबल को। सो ये सब एडवांस सम्स में आएंगे पर शॉर्ट में इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। उसी प्रकार से बिल्स पेबल डिसऑनर होगा तो आपका ये क्रेडिटर्स है, ये बिल्स पेबल है। आपका बिल्स पेबल डिसऑनर सपोजिटली ये 50,000 है, ये 30,000 है, 5,000 का बिल्स पेबल डिसऑनर कर दिया तो इधर से लेस डिसऑनर कर दो 2,000, ये आपका हो जाएगा 28,000। और इधर क्रेडिटर्स में आप ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे 2,000, तो 52,000। ऐसे इसके इफेक्ट्स आएंगे। आया समझ में? और भी इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, जस्ट लास्ट के कुछ कैपिटल के देख लें तो आपका ये सारे एडजस्टमेंट्स की वैरायटी 5 से 8 आते हैं। और मेन मेन एक ले लेता हूँ मैं, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, वो एक बात बता दूँ तो आपका काम हो जाता है। लेट अस कम टू दिस पार्ट। सपोजिटली ये आपका बैलेंस शीट है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, ये आपका वेजेस है, वेजेस आपका 10,000 है, आपका मशीनरी ठीक है 50,000 का है। अभी ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने इंस्टॉलेशन जब करते हैं ना मशीनरी, 5,000 का जो वेजेस है वो ये 10,000 में जोड़े हैं। लॉजिक समझ में आया? आपने एक मशीनरी लाई, उसको इंस्टॉल कराया, 5,000 लिया उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस। अकाउंट्स बहुत क्लियर है, मशीनरी के फिक्स्ड एसेट के इंस्टॉलेशन तक के सारे चार्जेस उस फिक्स्ड एसेट में जुड़ने चाहिए। तो ये 50,000 में आपने ऐड करना चाहिए था ना 5,000 लेबर चार्जेस, ये 55,000 होना चाहिए था ना, बट आपने किया ही नहीं, आपने 10,000 ट्रेडिंग में डाल दिया। ट्रेडिंग का वेजेस गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित है, ये मशीनरी के संबंधित था, तो आप क्या करोगे लेस, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप माइनस करोगे इधर से 5,000। इसका मतलब पता चलेगा 5,000 गुड्स के लिए वेजेस यूज हुआ है, ये 5,000 इधर ऐड करोगे फिर ही डेप्रिसिएशन आएगा, उसके पहले नहीं, डेप्रिसिएशन इधर नहीं आएगा, 55 पर 10% या जो भी दिया रहेगा वो लगेगा। आया समझ में? ये ऐसे चुटपुट एडजस्टमेंट हो सकते हैं बट ये इजी है, वंस यू अंडरस्टैंड द सम्स देन इट बिकम्स वेरी इजी। अब ये सारे एडजस्टमेंट्स लिए इनमें से एग्जाम में आएंगे, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। आपको इस पे ही देना है 5 से 8, इसमें भी हर साल क्लोजिंग स्टॉक रहता है, डिप्रिसिएशन रहता है, बैड डेट्स रहता है, एक खाद दो आउटस्टैंडिंग एक रहेगा, एक खाद प्रीपेड रहेगा, बस एक एडजस्टमेंट वो लोग क्या करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्ड मतलब आउट ऑफ 5 एडजस्टमेंट यदि आता है 4 रूटीन होंगे, एक थोड़ा डेप्थ में लेके जाएंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, वेजेस इंस्टॉल्ड ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, बस इतना। सो सम 90% ईजी होगा, एडजस्टमेंट्स के डबल इफेक्ट मैंने बता दी। कोई डाउट्स किसी को? नहीं तो यहाँ पे ये खत्म होता है।